मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज से है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसोफेगल अट्रेशिया विद ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला मोस्ट कॉमनली एक कॉन्जेनिटल एनोमलीज होती है बच्चों में, जिसके कई कॉज होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम कि जो अट्रेशिया और फिस्टुला होते हैं, पहले लेते हैं फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है एक्चुअल में? फिस्टुला मीन होता है फिस्टुला। अट्रेशिया क्या होता है? एक लेग ऑफ डेवलपमेंटल एंड ब्लाइंड स्पॉट, यानी जैसे ये कंडीशन है, ये इसोफेगस का प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द इसोफेगस एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल, ये जो कंडीशन है ये अट्रेशिया कंडीशन है। यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट जो बन गए, कोई भी जो लेग ऑफ डेवलपमेंट कमी के कारण, इस कंडीशन को बोलते हैं अट्रेशिया कंडीशन। डेफिनेशन ऑफ TEF यानी ट्रेको इसोफेगल फिस्टुला, शॉर्ट टर्म में TEF डेफिनेशन। TEF एक बर्थ डिफेक्ट होता है। TEF एक बर्थ डिफेक्ट एंड इन विच ट्रेकिया इज कनेक्टेड इन द इसोफेगस, यानी जो ट्रेकिया है वो इसोफेगस से कनेक्ट है। ये कंडीशन होगी फिस्टुला वाली कंडीशन। देन एंड इसोफेगस इज कंटिन्यू कैन अट्रेशिया या लैक ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट कमी या एंड ब्लाइंड स्पॉट, इस कंडीशन को बोलते हैं फिस्टुला। अब लेते हैं इसमें जैसे कि टाइप्स है, टाइप्स में जो कि डायग्राम से हम इस टाइप्स को समझ सकते हैं। डेफिनेशन समझ आ गई आपको? जैसे कि ट्रेकिया की डेफिनेशन है, ट्रेकिया ही एक बर्थ डिफेक्ट होता है, एक एब्नॉर्मल कनेक्शन होता है ट्रेकिया जो जुड़ा होता है इसोफेगस से। और अट्रेशिया कंडीशन ये होता है कि इसोफेगस की जो ग्रोथ है वह डिसकंटिन्यू होती है डेवलपमेंटल के कारण, लैक ऑफ डेवलपमेंटल, और एक ब्लाइंड पोच डेवलप हो जाते हैं, जिस कंडीशन को बोलते हैं अट्रेशिया। अब लेते हैं हम इसमें टाइप्स, जो कि डायग्राम के साथ ही हम समझ सकते हैं। फर्स्ट टाइप जैसे कि डायग्राम में लिखा गया है, ये जो पार्ट है ये प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द इसोफेगस है, और जो सेकंड है इसोफेगस का जो कि यहाँ डिसकंटिन्यू हो गया, डिस्टल पार्ट ऑफ द इसोफेगस, ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में क्या होता है? इसोफेगस अट्रेशिया विदाउट फिस्टुला, और ये 8% कंडीशन होती है बच्चों में। इन सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप होता है, यानी नो कनेक्शन इसोफेगस टू ट्रेकिया अपर
प्रोक्सिमल सेगमेंट एंड लोअर डाइस्टल सेगमेंट ऑफ इसोफेगस आर लाइन। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जो प्रोक्सिमल पार्ट है इस वजह से वो जो डाइस्टल पार्ट है दोनों अलग अलग है, कोई सदस्य होते हैं अप्रेशिया, परंतु जैसे ये फिस्टुला वाली कंडीशन से ये अलग है, यानी जो ट्रेकिया वाली कंडीशन है इसमें उससे कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें जो है फिस्टुला एब्सेंट है, फिस्टुला एब्सेंट, फिस्टुला एब्सेंट है इसमें, और अटेरेसिया है। ये 1% बच्चों में कंडीशन डेवलप होती है, जैसे प्रॉक्सिमल पार्ट यानी अपर डिस्टल पार्ट यानी लोअर। सेकेंड टाइप है इसमें, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप, जैसे कि इसमें कंडीशन क्या है कि अट्रेसिया तो नहीं है पर फिस्टुलाइज एब्सेंट है, जैसे कि इसमें अगर अट्रेसिया विद पीएफ इट इज ए रेयर इट फाउंड इन देन 1% इन ऑल केसेस अपर सेगमेंट इसोफेगस ओपन इनटू ट्रेकिया बाय फिस्टुला एंड द डाइस्टल लोअर सेगमेंट इज ब्राइट। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जो नीचे वाला जो लोअर पार्ट है यानी डाइस्टल पार्ट ऑफ द इसोफेगस है वो कनेक्ट नहीं है ट्रेकिया से, पर जो अपर पार्ट है इसोफेगस का प्रोक्सिमल पार्ट जिसे बोलते हैं वह कनेक्टेड है ट्रेकिया, यानी इसमें सॉरी फिस्टुला एंड अट्रेसिया दोनों प्रेजेंट है। अट्रेसिया कौन सी कंडीशन का प्रेजेंट है? प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द इसोफेगस यानी अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, तो ये सेकंड कंडीशन से है। In the most common type, this condition proximal and upper segment is esophagus has blind and the distal lower segment of esophagus connect into the trachea by fistula. जैसे कि इसमें दिखाया गया है डायग्राम में, जैसे अपर प्रोक्सिमल पार्ट है वे ऐसे कंडीशन में पर लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस कनेक्ट टू ट्रेकिया। दिस कंडीशन ऑफ थ्री टाइप मोस्ट कॉमन होती है ये, और 80-90% ये मोस्ट कॉमन होती है कंडीशन बच्चों में। फोर्थ टाइप ऑफ टीएफ, यानी इस कंडीशन में क्या है अपर पार्ट यानी प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड डाइस्टल पार्ट ऑफ इसोफेगस दोनों कनेक्टेड है ट्रेकिया से, तो इसमें तो ये कंडीशन हो गई ये विद टीएफ बोथ अपर एंड लोअर सेगमेंट इज आल्सो रेयर मोर देन 1% इज विद इसोफेगल अट्रेसिया विद फिस्टुला बिटवीन बोथ प्रोक्सिमल डाइस्टल एंड ट्रेकिया एंड इसोफेगस। जैसे कि डायग्राम दिखाया गया है कि बोथ जो पार्ट है अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर या प्रोक्सिमल एंड डाइस्टल जो ट्रेकिया से कनेक्ट है, इस कंडीशन फोर्थ टाइप। नेक्स्ट है इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सेल, जो एक्सेल बन गई ना इस कंडीशन में एस टाइप भी बोलते हैं इस टाइप को। इस कंडीशन में क्या है ये कंडीशन जो है 4% जो है परसेंट और केसेस में फॉर्म पाई जाती है बहुत प्रोक्सिमल और अपर डाइस्टल लोअर सेगमेंट ऑफ इसोफेगस इनटू ट्रेकिया बाय फिस्टुला, पर इसमें अट्रेसिया इज एब्सेंट, इसमें अट्रेसिया कंडीशन डेवलप नहीं है, ठीक है। मोस्ट प्रोबली 4% बच्चों पाई जाती है, पर इस रूप में जो अट्रेसिया कंडीशन नहीं है जो ऊपर वाली कंडीशन से अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस लोअर पार्ट ऑफ द दोनों ट्रेकिया से कनेक्टेड है, तो ये कंडीशन हो गए आपके फोर टाइप ऑफ द टीईएफ, ट्रेकियो इसोफेगल अट्रेसिया या ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला। दोबारा एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन इज प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द इसोफेगस एंड लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस कंडीशन डेवलप इन अट्रेसिया नॉट फिस्टुला, देन सेकंड कंडीशन इज अपर पार्ट टू
करेक्ट, लेकिन दो भी पार्ट वो कनेक्ट है इसोमेगस से, और लोअर पार्ट ऑफ इसोमेगस नहीं कनेक्ट है ट्रेकिया से। थर्ड पार्ट है इसमें अपेक्षा का, जो ये इसोमेगस का ऑक्सियल पार्ट है वह कनेक्ट नहीं है ट्रेकिया से, और लोअर पार्ट कनेक्ट है ट्रेकिया से। और ये कंडीशन जो होती है 80 से 90% मौसम देखने को मिलती है, और यह काफी मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है। फोर्थ में अटैचे कंडीशन एंड फिस्टुला प्रेजेंट, दोनों कंडीशन इसमें प्रेजेंट है। थर्ड में इसमें अटैचे वाली कंडीशन नहीं है प्रेजेंट, बट अटैचे आई सॉरी फिस्टुला इज प्रेजेंट। तो ये फोर टाइप हो गए आपके टीएफ, सॉरी फिफ्थ पार्ट। तो ये कंडीशन है कॉज ऑफ द टीएफ। अब हम देखते हैं सिम्टम, सिम्टम जो है वो इसके कंडीशन भी डिपेंड है। डायग्राम में है ये सारी कंडीशन की है। अगर हम कोई फीडिंग करते हैं तब अटैचे वाली कंडीशन में, सॉरी फिस्टुला वाली कंडीशन में क्या होता है, जब कंडीशन में क्या होता है कोई फीडिंग करते हैं तो वो सीधा लंग्स जाती है, जिसके कारण से लैक ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन डेवलप होती है, फीडिंग में डिफिकल्टीज होती है, जिसके कारण सारी कंडीशन डेवलप होती है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसके कारण से डेवलप होती है। इस कारण सोचिए कोई फीडिंग हम लेंगे तो वो फिस्टुला के जो डेवलप है उस कंडीशन में सीधा जो फीडिंग है लंग्स के अंदर आएगी, लंग्स के अंदर आएगी तो वो कंडीशन जैसे साइनोसिस कंडीशन होगी, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो एंड सेकेंड जो सिम्टम है एक्सेसिव सलाइनेशन, यानी सलाइवा का ज़्यादा आना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो कि होगी पॉसिबल है, क्योंकि कुछ भी फीडिंग और कुछ चीज देंगे तो सीधा लंग्स में जाएगा, इस कंडीशन से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस थोड़ी है। नेक्स्ट एब्डोमेन डिस्टेंशन, जो पोस्ट टाइप में से जिस कंडीशन में था उसमें ये था कि जो है फिस्टुला कंडीशंस में उसमें जो एयर आएगी वो डायरेक्ट एब्डोमेन जाएगी, तो वो एब्डोमेन डिस्टेंशन वाली कंडीशन भी डेवलप करेगी। थायरॉइड लेथार्जी,
तो ये जो है सिम्टम डेवलप होंगे सी एफ में, एब्डोमेन डिस्टेंशन कंडीशन क्लियर आ जाएगी एब्डोमेन के अंदर, तो वो डिस्टेंशन जाहिर सी बात है डिस्टेंशन तो कंडीशन डेवलप करेगी, टाइम ऑफ लेथार्जी नहीं अकॉर्डिंग टू जो एज है उसके अंदर वेट गेन होना चाहिए, वो कंडीशन से वेट गेन नहीं होता बट ओवर वेट गेन। तो ये है सिम्टम ऑफ टी एफ। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस पहला एक्सरे, सेकंड एक्सरे में ब्रीदिंग स्ट्रगल, ये राइट डिटेक्शन के द्वारा हम इस कंडीशन को हम आसानी से दे सकते हैं एक्सरे के द्वारा, लाइट प्रोडक्शन करता है ये किस कारण से। और इसे हम इसमें कौन हो गया आपके सिम्टम हो गए, देन डायग्नोस हो गया, अब इतने नहीं मैनेजमेंट पे जो है पहले लेते हैं हम प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव सर फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग पर माउथ मुँह से कुछ नहीं देना, देन आई क्लोज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे दो टाइप्स में कंप्लीटली एंड पार्शियली। कंप्लीट में सीएनएस सेंट्रल नर्व के द्वारा, ठीक है, मोर देन 7 days एंड हाइपरटोनिक फ्लूड देते हैं, देन पार्शियल में क्या होता है आइसोटोनिक फ्लूड लेस देन 7 days। तो ये प्री ऑपरेटिव केयर निकलते हैं हम, प्री ऑपरेटिव में पेरिफेरल वेन के द्वारा, पेरिफेरल वेन से, ठीक है। तो ये हो गया पेरिफेरल न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं कंप्लीट एंड पार्शियल दो भागों में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल नर्व के द्वारा मोर देन 7 days हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन दिया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाता है, पेरिफेरल वेन के द्वारा लेस देन 7 days। नेक्स्ट लेते हैं इसमें पोजिशन सुपाइन अपराइट थर्टी डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट में गेस्टो गेस्टोस्टोमी क्यों होती है वो इसमें लगाते हैं, क्योंकि जो एब्डोमिनल कंडीशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि स्टोमक में गैस जाएगी वो जो है एब्डोमिनल कंडीशन डेवलप करेगी, जिसके कारण से हम गैस्ट्रोमिक ट्यूब के द्वारा इस कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेते हैं, ये हो गया प्री ऑपरेटिव केयर आपके। नेक्स्ट देखते हैं सर्जिकल प्रोसीजर क्या कहते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर में सर्जिकल प्रोसीजर रिट्रैक्टिव
एन और टू यूज करते हैं जो प्री ऑपरेटिव लेयर में, हम ये भी एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो बैड साइड है हमें सक्शन ऑपरेटर्स का होना जरूरी है, सक्शन जो होना जरूरी है क्योंकि ट्रेशिया और फिस्टुला वाली कंडीशन में जैसे होता है तो कोई फिटिंग्स लेते हैं तो वो रेस्पिरेटरी लंग्स में जाएगी तो वो रेस्पिरेटरी स्ट्रेस करेगी और उस जो फूड मैटर होता है उनको निकालने के लिए हमें बैड साइड में सक्शन का होना जरूरी है। दूसरा क्लीन द जो पाउच होते हैं यानी ब्लाइंड पाउच है उनको क्लीन करते हैं, जैसे ये पाउच बने हुए यहाँ पे तो उनको क्लीन कर किया जाता है प्री ऑपरेटिव लेयर के अंदर जो क्लीन द ब्लाइंड पाउच वैक्यूम एस्पिरेशन के द्वारा, वैक्यूम एस्पिरेशन के द्वारा इनको क्लीन किया जाता है। तो ये प्री ऑपरेटिव लेयर के अंदर आएगा जो कि प्रॉपर्टी अपने छूट गए बेड साइड को सक्शन का होना कंपल्सरी है क्योंकि फिस्टुला कंडीशंस ट्रेशिया कंडीशंस में ये होते हैं कि जो फूड मटेरियल है वो लंग्स में जाएंगे तो उसमें डिस्ट्रेस कंडीशन डेवलप करेंगे। दूसरा जो ट्रेशिया वाली कंडीशन में जो ब्लाइंड पाउच है वो क्लीन किया जाता है इसके द्वारा वैक्यूम एस्पिरेशन के द्वारा। तो ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। अब क्या करते हैं इसमें जैसे कि एनास्टोमोसिस, ये कंडीशन में करते हैं जो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द इसोफेगस है उन दोनों को अपने शरीर में एनास्टोमोसिस किया जाता है, इसको बोलते हैं सर्जिकल प्रोसेस में एनास्टोमोसिस ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल एंड लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस दोनों। तो ये सर्जिकल प्रोसेस हो गया। अब लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ ईएम, सर्जिकल प्रोसेस में एक कंडीशन फॉर करते हैं जो फिस्टुला कंडीशन है उसको रिपेयर भी करते हैं। सर्जरी के बाद कुछ भी लेना नहीं पूछे आई टू परमेट्रल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अगर लेटेस्ट पास हो गई या सब कुछ ठीक है तब लिक्विड डाइट को स्टार्ट किया जाता है एंड एब्डोमिनल गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब है वे लगा के रखते हैं ताकि एब्डोमिनल डिस्टेंस को प्रिवेंट किया जा सके। कीप ऑफ द लेवल ऑफ द स्टमक उनके लेवल को मेंटेन किया जा सके और जो गैस ट्यूब है उसको हम 7 डेज बाद रिमूव करते हैं। ये हो गया आपके प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव एंड सर्जिकल मेथड ऑफ टीए। अब लेते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है कॉम्प्लिकेशंस में, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एस्पिरेशन कंडीशन में हम पहले हमने डेफिनेशंस एंड टाइप्स एंड सिम्टम एंड कॉज एंड मैनेजमेंट एंड डायग्नोसिस सभी हमने आज क्लियर किया। ये टॉपिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ में आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।